Hello students, this is our chapter 5, Origin and Evolution of Life. In the previous video, we have started modern synthetic theory of evolution. This is the main part of this chapter. And in that theory, we are going to study in three parts. First was genetic variation, second was natural selection, and the third was isolation. इन फर्स्ट जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन हम लोग ने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था. इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अ थर्ड पार्ट दैट इज आइसोलेशन. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स व्हाट इज आइसोलेशन. ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जेनेटिक वेरिएशन में. फर्स्ट हम लोग ने जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़ा. देन वी स्टडीड अबाउट जीन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. Third was gene flow. Fourth was genetic drift. Fifth was chromosomal aberration. Or chromosomal aberration mein we have studied four sub main topics. That was deletion, duplication, inversion, and fourth was translocation. So ye iska diagram. Fir hum log natural selection ke bare mein padhe. Natural selection mein we have studied that जीन्स और ट्रेड्स के लिए जो हाईएस्ट डिग्री है अडेप्टिव एफिशिएंसी बिटवीन पॉपुलेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट. फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल मेलालिज्म में क्या हुआ. फिर हम लोग ने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ब्लैक विंग्ड मॉट के बारे में पढ़े एंड वाइट विंग्ड मॉट के बारे में. तो ये अभी तक हम लोग ने पढ़ लिया यहाँ तक. नाउ अभी हमारा थर्ड पार्ट है आइसोलेशन. व्हाट इज आइसोलेशन. वी हैव स्टडीड दिस वर्ड बिफोर इन द प्रीवियस चैप्टर्स. आइसोलेशन इज नथिंग न्यू फॉर अस. आइसोलेशन इज द सेपरेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिक्युलर स्पीशीज इनटू स्मॉलर यूनिट विच प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम. आइसोलेशन इज अ सेपरेशन. सेपरेशन मीन्स सेपरेट हो रहे. सेपरेशन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिक्युलर स्पीशीज. पॉपुलेशन का सेपरेशन हो रहा है. हर एक एक स्पीशीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज के बारे में उनका सेपरेशन हो रहा है इनटू स्मॉलर यूनिट विच प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम. Some barrier which prevent gene flow or exchange of genes between isolated population is called isolating mechanism. यहाँ पर clear हो गया ये चीज़ that ऐसे barriers जो prevent करते हैं ऐसे barriers ऐसे units जो प्रिवेंट कर रहे हैं जीन फ्लो को और एक्सचेंज ऑफ जीन को. जीन के फ्लो को या फिर जीन के एक्सचेंज को बिटवीन आइसोलेटेड पॉपुलेशन. बिटवीन आइसोलेटेड पॉपुलेशन इज कॉल्ड आइसोलेटिंग मैकेनिज्म. देन नंबर ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स आर ऑपरेटेड इन नेचर. बहुत सारे आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स हमारे नेचर में अवेलेबल है. ओके एंड देयरफॉर डाइवर्जेंस एंड स्पेसिएशंस में अकर. डाइवर्जन और स्पेसिएशन मींस न्यू टाइप ऑफ जीन्स एंड स्पीशीज आजकल अकर हो रही है. बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ इंटरब्रीडिंग प्रिवेंट हो रहा है इसलिए डाइवर्जन स्पेसिएशंस में अकर. The isolating mechanism are of two types, mainly geographical isolation and reproductive isolation. एक है geographical isolation and second is reproductive isolation. We are going to study one by one about geographical isolation and then we are going to study about reproductive isolation. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में फिर से और कुछ टाइप्स हैं. सो लेट्स स्टडी स्टूडेंट्स व्हाट इज़ फर्स्ट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. दिस इज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन.
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल आइसोलेशन. फिजिकली कोई चीज़ प्रिवेंट हो रही है आइसोलेट होने से. वट इज आइसोलेशन? द क्लियर वर्ड फॉर आइसोलेशन इज, सो वट इज आइसोलेशन? क्लियर वर्ड फॉर आइसोलेशन क्या है? वी हैव स्टडीड, वी हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड नाउडेज. आइसोलेशन इज अलग करना, कोई चीज़ को दूसरे चीज़ से अलग करना, डिफर करना, डिसकंटिन्यूटी, ये सारे वर्ड्स आते हैं आइसोलेशन. तो हम लोग अभी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में, व्हाट इज़ फिजिकल बैरियर्स जो इंटर ब्रीडिंग को प्रिवेंट कर रही है, उसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस. दे सो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल आइसोलेशन. इट अकर व्हेन एन ओरिजिनल पॉपुलेशन, जब ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है वो डिवाइड हो रहा है इंटू टू और मोर ग्रुप्स, इंटू टू और मोर ग्रुप्स बाय ज्योग्राफिकल बैरियर्स सच एज रिवर, ओशियन, माउंटेन, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा. क्लियर स्टूडेंट्स? इट अकर्स व्हेन एन ओरिजिनल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू टू और मोर ग्रुप्स बाय ज्योग्राफिकल बैरियर. ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है वो डिवाइड हो रहा है, उनके बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ रहा है, या तो रिवर हो रहा है, या तो ओशियंस है, या तो माउंटेन्स है, जिसके वजह से वन थिंग कैन नॉट माइग्रेट टू अदर थिंग. उन दोनों का साथ में वो लोग टुगेदर नहीं हो पा रहे. ओके, दिस इज़ बिकॉज सम ज्योग्राफिकल बैरियर्स. सो दिस बैरियर prevent interbreeding between isolated groups, and because of this barrier interbreeding is prevented. The separated groups are exposed to different kinds of environmental factors and they acquired new traits by mutation. अब ये जो separated groups है, ये जो groups separate हो गए, they are exposed टू डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. अब ये ग्रुप दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को फेस करेंगे जो वो लोग पहले फेस नहीं किए थे, राइट? फिर अब जब वो लोग दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को फेस करेंगे, देन दे विल डेवलप न्यू ट्रेट इन देम, न्यू फैक्टर इन देम, जिसके वजह से उनके जीन में म्यूटेशन होगा. क्लियर? एग्जाम्पल इज इफ ऑर्गेनिज्म ऑफ और इफ एन एनिमल विच इज़ लिविंग इन अ वेरी कोल्ड इन्वायरमेंट, सडनली अगर उसको ट्रांसफ़र कर दिए इन एन्वायरमेंट विच इज़ वेरी हॉट, सो दैट इन एनिमल इज़ गोइंग टू अडेप्ट सर्टन चेंजेस इन इट. वो अपने अंदर सडन म्यूटेशन करेगा. सडन चेंज को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन. तो वो एनिमल जो विंटर से उठा के उसको कोल्ड में, कोल्ड से उठा के उसको हॉट इन्वायरमेंट में डाल दिए, वो एनिमल अपने अंदर म्यूटेशन करेगा. अब वो अगर फिटेस्ट है फॉर सर्वाइवल, देन अब क्या करेगा वो? वो उस हॉट इन्वायरमेंट में रह जाएगा, देन उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, एंड देन एक न्यू स्पीशीज मिल रहा है. कोल्ड इन्वायरमेंट में जो एनिमल था, अब वो हॉट इन्वायरमेंट में भी रह रहा है. सो दिस इज़ व्हाट द एग्जांपल इज. द सेपरेटेड ग्रुप्स आर एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड दे एक्वायर्ड न्यू ट्रेट्स बाय म्यूटेशंस. देन ये जो सेपरेटेड पॉपुलेशन है, दिस सेपरेटेड पॉपुलेशन डेवलप डिस्टिंक्ट जीन पूल, distinct gene pool, and they do not interbreed. Thus, new species have been formed by geographical isolation. For example, Darwin's winches. What is Darwin winches? Darwin winches is a bird. एक ऐसी बर्ड जो कि 26 टाइम्स अपने आप के अंदर म्यूटेशन लाई, और उसकी बायोडाइवर्सिटी या फिर उसके स्पीशीज बहुत ज़्यादा है. सो ओके, दैट बर्ड
को डार्विन के नाम से जाना गया एंड इट इज़ कॉल्ड एज डार्विन विंचेस. देन सेकेंड पार्ट हम लोग ने क्या डिस्कस किए थे, पहले आइसोलेशन में हम लोग दो पार्ट्स में स्टडी करने वाले थे. फर्स्ट वाज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड सेकेंड वाज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. सो वी हैव स्टडीड अबाउट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. सेकेंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. सो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? Reproductive isolation occurs due to change in genetic material, gene pool and structure of genital organs. जब reproductive isolation हो रहा है, okay? तो क्यों हो रहा है? क्योंकि changes हो रहे हैं. किस किस चीज़ में change हो रहा है? Occurs due to change in genetic material. उसके जीन्स का जो मटेरियल है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जीन पूल में चेंज आ रहा है एंड स्ट्रक्चर ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स. ये सारी चीज़ें में चेंजेस के वजह से हम लोग उस टाइप के चेंज को बोलेंगे, उस टाइप के आइसोलेशन को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. इट प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन. आइसोलेशन करना है, आइसोलेट हो रहे हैं वो लोग, अलग हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट दैट विल प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉपुलेशन. अब ये जो आइसोलेशन है, ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, वो भी हम लोग टू पार्ट्स में पढ़ेंगे, ओके? फर्स्ट इज ए प्री मेटिंग और प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, ओके? सेकेंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पोस्ट मीटिंग और पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स. तो पहले हम लोग प्री मीटिंग और प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं. दिस मैकेनिज्म प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. ये चीज़ इतनी ज़्यादा क्लियर है कि प्री मीटिंग और प्री जाइगोटिक आइसोलेशन है, मतलब जाइगोट बनने से पहले या मेटिंग होने से पहले वाला आइसोलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग. तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्मेशन, ये दोनों चीज़ें प्रिवेंट हो रही है. हैबिट और उसमें हम लोग फोर टाइप्स पढ़ रहे, कितने फोर टाइप्स पढ़ रहे. तो फोर टाइप्स में फर्स्ट टाइप इज़ हैबिटेंट आइसोलेशन और वी कैन कॉल एज इकोलॉजिकल आइसोलेशन. क्लियर? हैबिटेंट आइसोलेशन में व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन लिविंग इन द सेम ज्योग्राफिक रीजन बट ऑक्यूपाई सेपरेट हैबिटेंट सो दैट द पोटेंशियल मेट्स डू नॉट मीट. मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द सेम ज्योग्राफिक रीजन बट ऑक्यूपाई सेपरेट हैबिटेंट, उन दोनों का हैबिटेंट सेपरेट है और वी कैन से डिफरेंट हैबिटेंट है, सो दैट द पोटेंशियल मेट्स डू नॉट मीट, सो दैट द मीटिंग इज़ नॉट अकरिंग इफ देयर हैबिटेंस इज डिफरेंट. सो बट ऑब्वियस दे विल नॉट मीट और दे विल नॉट मेट. सो ऑब्वियसली दे विल नॉट मेट देमसेल्फ एंड बाय दिस isolation or they will isolate themselves. So this type of isolation is called as habitant isolation or ecological isolation. Second is seasonal or temporal isolation. Seasonal or temporal isolation. तो यहाँ क्या होता है, members of a population, members of a population living in the same geographic region, they are also living in the same geographic region as we have studied in habitant isolation but are sexually mature at different years, but they are maturing at different years. Matlab if a female is maturing at 4 years, the male will mature at 8 years or different times of the year. So this is seasonal or temporal isolation.
Third, we are going to study about ethological isolation. Due to specific mating behavior, the members of population do not mate. कुछ स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर है उन ऑर्गेनिज्म का, उनके अपने बिहेवियर के वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ मीट नहीं कर पा रहे. देन फोर्थ इज़ मैकेनिकल आइसोलेशन. मेंबर्स ऑफ टू पॉपुलेशन हैव डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. मतलब दो मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के, मेंबर्स ऑफ टू पॉपुलेशन, मेंबर्स ऑफ टू पॉपुलेशन के मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं. दे हैव डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस रहेंगे, सो दे कैन नॉट मीट. सेकेंड, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पोस्ट मीटिंग और पोस्ट जाइगोटिक बैरियर्स. तो फर्स्ट है इसमें गैमेटिक मोर्टैलिटी. गैमेटिक मोर्टैलिटी से वी हैव स्टडीड अबाउट रिलेटेड टू गैमेट्स. सो गैमेटिक मोर्टैलिटी क्या है? फर्स्ट, पोस्ट मीटिंग और पोस्ट जाइगोटिक बैरियर क्या है? कि एक बार जाइगोट बन गया या मीटिंग हो गई, उसके बाद कैसे बैरियर्स बनेगा? तो फर्स्ट टाइप है उसमें गैमेट मोर्टैलिटी, के जो गैमेट है वो मोर्टैलिटी हो रही है उसमें. नाम से वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट समथिंग ड्यू टू गैमेट्स. गैमेट्स हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन. उनकी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है 24 आवर्स की, 36 आवर्स की, इतनी होती है. ड्यू टू वन और द अदर रीज़न, इफ़ यूनियन ऑफ द टू गैमेट डज नॉट अकर इन द गिवन टाइम. अगर ये जो यूनियन है ये गिवन टाइम पे अकर नहीं होता है, इट रिजल्ट इन द गैमेटिक मोर्टैलिटी. बिकॉज फीमेल का एक गैमेट का टाइम होता है, एंड इफ़ दिस यूनियन इज नॉट अकरिंग एट दैट गिवन टाइम, इट रिजल्ट इन द गैमेटिक मोर्टैलिटी. वो गैमेट मोर्टाइल हो जाएगा. मोर्टाइल मीन्स डेड हो जाएगा. देन देर इज़ नो यूज़ ऑफ मीटिंग और जाइगोटिक बैरियर. वो डेफिनेटली नेचुरली वो बैरियर बन जाएगा. दिस इज़ वॉट वी हैव स्टडीड अबाउट गैमेट मोर्टैलिटी. सेकेंड, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जाइगोट मोर्टैलिटी. यहाँ पर क्या हो रहा है? जाइगोट की मोर्टैलिटी हो रही है. जाइगोट डेड हो रहा है. सो योर एग इज फर्टिलाइज बट जाइगोट डाइज ड्यू टू वन और द अदर रीज़न. एग फर्टिलाइज हो गया बट द जाइगोट, एवरीथिंग हैपेंड बट द जाइगोट वो डाई हो गया ड्यू टू सम बैरियर्स और सम इन्वायरमेंटल कंडीशंस या एनीथिंग दैट इफ़ द मदर इज़ नॉट हेल्दी, एनीथिंग कैन बी द रीज़न. यहाँ पे एग फर्टिलाइज हो रहा है बट जाइगोट डाइज. सो इट इज़ ऑल्सो अ रीज़न विच प्रिवेंट बैरियर एंड इंटरब्रीडिंग. ये भी एक रीज़न है. थर्ड एंड द लास्ट इज़ हाइब्रिड स्टरिलिटी. वट इज़ हाइब्रिड स्टरिलिटी? हाइब्रिड की स्टरिलिटी, स्टरिलिटी मीन्स समथिंग स्टेराइल. तो हाइब्रिड डेवलप टू मैच्योरिटी बट बिकेम स्टेराइल. बट वो स्टेराइल हो रहा है ड्यू टू फेलियर ऑफ प्रॉपर गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस को क्या बोलते हैं हम लोग? क्यू, कौन से सेल से हो रहे? वो सेल डिवीजन है, उनमें मियोसिस है. तो जो हाइब्रिड डेवलप हुआ है, मैच्योरिटी उसमें आ गई है, बट वो स्टेराइल हो जाएगा. स्टेराइल क्यों होगा? बिकॉज ड्यू टू द फेलियर ऑफ प्रॉपर गैमेटोजेनेसिस. जो गैमेटिक जेनेसिस हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन, जेनेसिस इज फॉर्मेशन, गैमेटो रिफर्स टू और रिलेटेड टू गैमेट्स. तो ये जो गैमेटिक जेनेसिस हो रही है,
गैमेटोजेनेसिस हो रही है. गैमेटोजेनेसिस इज गैमेट फॉर्मेशन. रिमेंबर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट इन सेकेंड चैप्टर. हाइब्रिड डेवलप टू मैच्योरिटी. हाइब्रिड जो है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो मैच्योरिटी तक आ गया. बट वहाँ आके ओके वो स्टेराइल हो गया ड्यू टू फेलियर ऑफ प्रॉपर गैमेटोजेनेसिस. फॉर एग्जाम्पल, मूल इज एन इंटरजेनेरिक हाइब्रिड विच इज स्टेराइल. वट इज मूल? मूल इज अ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स. उनके ऑफस्प्रिंग, अगर मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स है, उनके बीच में जब क्रॉस हो रहा है, ओके मेल फेवरेट मेल डोंकी, ओके मेल डोंकी है, फीमेल हॉर्स है, ओके इनके बीच में जो मेटिंग हो रही है, सो वहाँ से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो है मूल, MOLE मूल. यर वी हैव डिस्कस्ड इट. एंड दिस मूल इज स्टेराइल. स्टेराइल मीन्स इट कैन नॉट प्रोड्यूस फर्दर. और मूल अगर उस ऑर्गेनिज्म या उस प्लांट को भी बोलते हैं जो आगे जाके स्टेराइल है या फर्टाइल नहीं कर सकते, उन्हें भी हम लोग मूल बोलते हैं. मतलब मूल इज ऑल्सो फॉर एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स. दोज प्लांट्स विच आर स्टेराइल एंड दे कैन नॉट फर्टिलाइज देमसेल्फ, सो दैट टाइप ऑफ प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मूल. और एनिमल्स में मूल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का है. इनके बीच में मेटिंग हुई थी एंड दे प्रोड्यूस्ड अ मूल. उनका ऑफस्प्रिंग मूल था. बट ये मूल आगे जाके खुद को फर्टाइल नहीं कर सकता. ही कैन नॉट रिप्रोड्यूस. सो दिस मूल इज स्टेराइल. सो दिस इज़ वॉट मूल इज. मूल इज़ एन इंटरजेनेरिक हाइब्रिड. इंटरजेनेरिक मीन्स दूसरे स्पीशीज के साथ मेटिंग करके एक हाइब्रिड बना है जो कि स्टेराइल है. मेल डोंकी, डोंकी दूसरा स्पीशीज है, हॉर्स दूसरा स्पीशीज है. हॉर्स और डोंकी के बीच में जब मेटिंग हुई, सो द ऑफस्प्रिंग उनका बेबी बना मूल. बट दिस मूल कैन नॉट रिप्रोड्यूस. अब ये मूल का स्पीशीज आगे नहीं बढ़ेगा. सो दिस इज व्हाट हाइब्रिड स्टरिलिटी इज. सो वी हैव स्टडीड टिल नाउ पोस्ट मेटिंग एंड पोस्ट जाइगोटिक बैरियर क्या होता है. वी विल स्टॉप योर स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. यहाँ पे हमारी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन कंप्लीट होती है. वी हैव स्टडीड ऑल द पार्ट्स. फर्स्ट वाज जेनेटिक वेरिएशंस, देन वी हैव स्टडीड अबाउट नेचुरल सिलेक्शन एंड थर्ड आइसोलेशन. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विथ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.